Today I joined the Bharatiya Janata Party. Today morning I met our national leader Amit Shah ji and Nadda ji. कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का बड़ा प्लान, लिंगायत समुदाय पर दांव। लोकसभा चुनावों में बीजेपी कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए बीजेपी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों बसवराज बोम्मई और जगदीश शेट्टार को मैदान में उतारने की चर्चा कर रही है। ये दोनों ही कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से जुड़े हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा वोट बेस माना जा रहा है। आबादी के लिहाज से लिंगायत 17% और बोक्कालिगा 15% है, लेकिन ये सरकार बनाने या फिर उसे गिराने की भी ताकत रखते हैं। पार्टी के सीनियर नेता बीएस येदुरप्पा ने 7 मार्च को कहा कि बोम्मई और शेट्टार समेत राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हुई है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। येदुरप्पा ने यह भी संकेत दिया कि भाजपा कर्नाटक में गठबंधन सहयोगी जेडीएस को 2-3 सीटें दे सकती है, लेकिन इस पर भी मोदी ही आखिरी फैसला लेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद 2 मार्च को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया था। इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। वहीं सूची में 28 महिलाएं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC के नाम हैं। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। वहीं बीएस येदुरप्पा ने कहा कि 6 मार्च को सभी 28 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है, किसे टिकट दिया जाना चाहिए ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस सब पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद 2-3 दिन में स्थिति साफ होगी। उन्होंने 25 सीटें जीतने का भी भरोसा जताया है और कहा है कि इस दिशा में प्रयास जारी है। वहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शेट्टार को बेलगाम से मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल इस सीट पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की पत्नी मंगला अंगड़ी सांसद हैं। उन्होंने 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश जारकीहोली को 5,000 वोटों से जीत हासिल की। भाजपा इस सीट को बरकरार रखने के लिए मंगला की जगह एक मजबूत उम्मीदवार लाना चाहती है, इसलिए शेट्टार का नाम चर्चा में है, क्योंकि वो अंगड़ी परिवार के रिश्तेदार भी हैं। उपचुनाव के दौरान शेट्टार इस सीट के चुनाव प्रभारी भी थे। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय को साधना चाहती है बीजेपी। कर्नाटक के दोनों पूर्व CM बोम्मई और शेट्टार दोनों लिंगायत समुदाय से हैं। इस समुदाय को कर्नाटक में भाजपा के मजबूत वोट आधार के रूप में देख रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले साल विधानसभा चुनावों में समुदाय का भगवा पार्टी से थोड़ा दूर जाना उसकी हार के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। वहीं कर्नाटक के सीनियर पार्टी नेता बीएस येदुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। 2021 में बीजेपी ने येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। उनकी जगह उन्हीं की पसंद के बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। सीएम पद से हटाने के बाद येदुरप्पा को बड़े प्रोग्राम्स में भी बुलाना बंद कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट नजर आया। येदुरप्पा लिंगायत समुदाय में काफी पॉपुलर हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोग उन्हें पसंद करते हैं। बीजेपी के पास कर्नाटक में लोकल लेवल पर कोई पॉपुलर चेहरा नहीं बचा है। बसवराज बोम्मई मास लीडर नहीं, इसलिए पार्टी इस बार भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए AR News के साथ। धन्यवाद।